ये यहाँ कैसे? आपने बताया नहीं, ये रुमाल यहाँ कैसे आ सकता है? देव भैया, वो हम ये कर मिल गया। हम तो कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे इस रुमाल को। ये रुमाल तुम्हारे पास था? हाँ, धुलवा के ला रहे थे ना, तो हाथ में तह लगे हुए कपड़े रखे थे, तो राधिका जी से दो बातें करने यहाँ चले आए। तभी गिर गया होगा ससुरा है। रिजू, आर यू श्योर ये रुमाल उन कपड़ों के साथ था? हाँ, अरे पूरी तरह से और हैं हम। सुशील चाचा जी मिले थे बाहर, हमसे बोले कि जाके देखो अंदर। दे भैया, फाइल ढूंढने में इतना वक्त काहे लगा रहे हैं। अरे बिरजू, तू जल्दी जा, उन्हें कहना मैं आ रहा हूं, और ये डोनेशन वाली फाइल कार में रख देना। ठीक। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। देव विशाखा को बाहर ले जाने की बात कर रहा था तब तुम्हें बड़ी खुशी हो रही थी। हम तुम्हें याद है आखिरी बार तुम मुझे बाहर कब लेकर गए थे? क्या फिर तुमसे बाहर ले जाने की उम्मीद करना ही गलत? चाहिए था? ओ, मेरी दवाई गिर गई थी। धन्यवाद। भैया धन्यवाद किस बात का? दवाई तो दी है। ये दवा कब कब लेनी होती है? ये लाल वाला कैप्सूल दिन में 2 बार, सफेद वाली गोली सुबह नाश्ते के बाद, और वो सिर्फ दोपहर के खाने के बाद। ठीक है भैया, अब मैं रोज आपको दवा दे दूंगी। और भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लिया कीजिए, हिचकिचाइएगा मत। मैं चलती हूँ। अरे देव, तो तुम्हें पिक्चर दिखाने ले जाने वाला था ना? देव का काम शायद खत्म नहीं हुआ होगा, इसीलिए मंदिर पे बुलाया है। वहीं से चले जाएंगे पिक्चर देखने। छोटी बहू जी, अपने पति को ज्यादा देर इंतजार मत करवाना। जाओ, जल्दी से तैयार हो। राधिका, तू भी चल। मैं वहां क्या करूंगी? उन्होंने सिर्फ तुझे ही बुलाया है। राधिका ठीक ही तो कह रही है बेटा, देव तुम्हें बाहर ले जाना चाहता है। राधिका को फिर कभी ले जाना? फिर कभी क्यों दादी माँ? मैं तो राधिका को आज ही ले जाना चाहती हूँ। तू समझ नहीं रही है? चल मेरे साथ। तुझे अगर मेरी बात नहीं माननी है तो मत मान, लेकिन अगर तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी।
विशाखा रुक। अच्छा ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगी। सच सच माँ जी, क्या है ये सब? पहली बार तो देव छोटी बहू को लेकर कहीं बाहर जा रहा था, फिर बहन को ले जाने की क्या जरूरत थी साल? ये छोटी बहू शहर की थोड़ी ना है, वो वृंदावन की है, इसीलिए उसे संकोच हो रहा होगा। विशाखा देख, विशाखा समझने की कोशिश कर, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी पत्नी के साथ की बहन भी फिल्म देखने आई है। बाहर में गई ये फिल्म। राधिका, मुझे उस आदमी के साथ कोई फिल्म देखने नहीं जाना है। वो तो उसने सबके सामने पूछा, इसलिए मैं मना नहीं कर सकी। राधिका तू मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं उस आदमी के साथ एक पल नहीं रह सकती, और इसीलिए तो मैं तुझे साथ लाई हूँ। और जितनी देर हो सके तुम मेरे साथ बनी रहना। मैं बस ऊपर जाके उनसे कह दूंगी कि मुझे फिल्म वगैरह नहीं देखनी है, हम सब घर वापस चलते, समझी? विशाखा ऐसा मत करना, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। आप ही हैं जो हम दोनों को करीब ला सकती है। तुम्हारे साहब कर रस के ऑफिस में। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। सुनिए, ट्रस्ट का ऑफिस कहां पर है? मुझे यहां बुलाकर आप खुद कहां गायब होगे?
आप जानते पीछे के ऑफिस तक ढूंढ कर आ रही हूँ मैं। अरे कहाँ थे, अरे कहाँ खोए रहते? एक तो बिना पूछे मुझसे प्रोग्राम बना लेते हैं, ऊपर से घर वालों के सामने ऐसे पेश करते जैसे कि मैं मना ही ना कर पाऊँ। पर जब मैं यहाँ आ गई तो मुझे इंतजार करा रहे। देखिए मुझे कोई फिल्म वगैरह नहीं देखनी है, मैं बस घर वापस जाना चाहती हूँ। सुना आपने, मुझे कोई फिल्म वगैरह नहीं देखती, मैं बस घर वापस जाना चाहती हूँ। चलिए देख लिया, जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे कपड़े छुपा कर रखने होंगे, उन्हें शक हो जाएगा। कौन है? जी मैं हूँ देव। आप विशाखा के साथ मंदिर आई थी? जी वो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या आप विशाखा के साथ मंदिर आई थी? जी वो जी हाँ। तो फिर कपड़ा वहां से चली क्यों गई? करती आपको अपनी पत्नी के साथ समय बिताना था और अपना रिश्ता सुधारना था, इसीलिए मैं वहां से चली आई। आप वापस क्यों आ गए? वो विशाखा का मन नहीं था। आप जानती हैं मैंने आज वहां किसे देखा? मैंने आज वहां उसे देखा जिससे मैं प्यार करता हूं। यहां दिल्ली में? सच? फिर तो मुझे भी रुक जाना चाहिए था, मैं भी मिल लेती। लेकिन वो मुझे देखकर नहीं रुकी, वो वहां से चली गई। जैसे आप भी वहां से चली गई। यादों को भुलाना कितना मुश्किल होता है, जिंदगी के हर नए मोड़ पर वो मुझे मिल जाती है। और ना चाहते हुए भी हमें उनका सामना करना ही पड़ता है। शायद वो भी अपनी यादों से दूर भागना चाहती हो, तभी वहां से चली गई होगी। उसे पता है ना कि आपका विवाह हो गया है? थकावट होगी जी, आराम करो तुम ना जी। और हाँ, आज ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभालूंगी, तुम आराम करो। माँ आप सब लोग यही चाहते हैं ना कि इस घर में एक नया मेहमान आए? कौन
कौन नहीं चाहेगा छोटी बहू, कौन नहीं चाहेगा? तुम तो जानती हो ना, ये पूरा घर एक बच्ची की खिलकारी सुनने के लिए कैसे तरस रहा है। माँ, बच्चा होने के बाद पूरी जिंदगी बदल जाएगी ना? बदल जाएगी? अरे और अच्छी हो जाएगी बेटा, तुम एक बार खुशखबरी सुनाओ तो सही। ये पूरे घर जो है ना, इस पूरे घर में त्योहार के जैसा माहौल होगा, और देव के दादाजी के बनाए हुए नियम के अनुसार तुम्हें वो सब सौंपा जाएगा जो इस घर के वारिस को दिया जाना है। तुम आराम करो। और हाँ, जैसा मैंने कहा है, आज ज्यादा काम नहीं करना। और राधिका है ना, वो जरूरत होगी तो उससे मदद ले लेंगी। आराम करो। अरे छोटी बहू, सोच क्या रही हो? देखो तो सही, खाना कितना अच्छा है ना। इसका मतलब सारे पैसे कभी किसी को नहीं मिलेंगे? मिलेंगे तो वारिस को। और देव के दादाजी के बनाए हुए नियम के अनुसार तुम्हें वो सब सौंपा जाएगा जो इस घर के वारिस को दिया जाना है। छोटी बहू जी, कैसा लग रहा है अब? जी अब ठीक है। क्या हुआ था, थकावट? शायद। बेटा बीमारी में शायद नहीं होता है, बीमारी का पता चलेगा तब न जाके सही इलाज होगा। इलाज तो मिल गया है दादी माँ। चलो खाना खाते हैं। खाते हैं, लेकिन देव कहाँ है? बिरजू जाते, देव को बुला ला। जी। रुके बिरजू भैया, दादी माँ मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ आपको जिम्मेदार ठहराती रही। पर कभी भी आपको समझने की कोशिश ही नहीं की। अब मैं जान गई हूं कि गलती मेरी भी है, और मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहती हूं। और मैं हमारी शादी को एक और मौका देना चाहती हूँ। खुद को एक अच्छी पत्नी साबित करना चाहती हूँ। मन कैसे बदल गया? पर सच मानिए, मैंने बहुत सोचने की कोशिश की, आपकी हर एक बात को दोबारा सोचने की कोशिश की, और तभी मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं।
लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैंने जो तय किया है शायद उसके लिए मुझे खुद को मनाना पड़ेगा और बदलना भी पड़ेगा, ताकि मैं एक अच्छी पत्नी अपने आप को साबित कर सकूं, जैसे आप सब लोग चाहते हैं। चलिए, खाने की मेज पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप चलिए, मैं आता हूं। जी अच्छा। अरे देव, तू वहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? अंदर आ। वैसे कैसे याद आ गई दादी की? क्यों, मैं जब चाहे तब आपके पास आ सकता हूँ। एनी प्रॉब्लम? नहीं भाई, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पर तेरे पास इस बुढ़िया के लिए वक्त ही कहाँ है? हर वक्त मंदिर और घर के कामों में उलझा रहता है, या फिर छोटी बहू के बारे में सोचता रहता है। तू क्या समझता है मुझे नहीं पता? मैं जानती हूं बहुत जल्द मेरी गोद में एक नन्ना मुन्ना देव खेलने वाला है ना? आ बैठ ना, चल आ बैठ, बैठ ना। तुझे ऐसा लगता है ना कि पिता बनकर तेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी? सिर्फ ये बात ही नहीं है दादी माँ, बात ये भी है कि अभी तक मैंने अपनी पत्नी को जाना ही नहीं। हाँ तो कैसे जानेगा? हाँ? अरे तेरे पास उसके लिए कोई वक्त है? है समय तेरे पास? वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तेरे दादाजी भी ना बिल्कुल तेरी तरह थे, हर वक्त मंदिर और घर के काम में व्यस्त रहते थे। मेरे लिए उनके पास वक्त ही नहीं होता था। और पता है, हर हफ्ते 10 दिन के बाद वो मुझे अपने फार्म हाउस पर ले जाते थे। तू समझ रहा है ना मैं क्यों कह रही हूँ? अरे बुद्धू, तू भी छोटी बहू को फार्म हाउस पे ले जा, जहाँ तुम दोनों अकेले होगे, एक दूसरे को जान सकोगे। वैसे भी शादी के बाद तुम लोग कहीं गए भी तो नहीं ना? इसे अपना हनीमून समझना। अरे जा, जल्दी जा, छोटी बहू को ये खुशखबरी सुना। मैं भी ना अपना इलाज ढूंढना छोड़ के और वृंदावन देखने बैठ गया। बताओ इलाज? हाँ, मैंने पेपर में पढ़ा था कि मेरी बीमारी के इलाज के लिए एक नया तरीका इजाद हुआ है, बस उसे ही ढूंढ रहा था इंटरनेट पर। किस चीज का इलाज चल रहा है? एक्सीडेंट के बाद मेरी नसें कमजोर हो गई थी, मेरे पैरों में मेरे शरीर को उठाने की ताकत नहीं बची। बस उसी का इलाज चल रहा। दवाइयों से नसें ठीक हो जाती है? कहते तो हैं, पर मुझ पर तो अब तक कोई असर नहीं हुआ और शायद अब होगा भी नहीं। भैया आप ऐसे क्यों कहते हैं? जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं होती। अगर आप सोचे कि ऐसा हो सकता है तो अवश्य ऐसा ही होता है। अच्छे लोगों के साथ तो हमेशा अच्छा ही होता है ना भैया? पर अच्छे लोगों के साथ तो अक्सर बुरा होता है राधिका। अच्छा भैया, मुझे आप एक बात बताइए। आपके पास कोई बहुत बहुमूल्य चीज है और आपने उसे किसी को संभालने को देना है, तो आप किसे देंगे?
एक अच्छे आदमी को या फिर एक बुरे आदमी को? अच्छे आदमी को। बस दर्द भी एक बहुत कीमती चीज है भगवान के पास, इसीलिए वो अच्छे लोगों को ही देते हैं। आप कान्हा पर भरोसा रखिए भैया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आप अपने ढूंढने का काम जारी रखिए, मैं फिर से आपको दवा देने आऊंगी। अपना ख्याल रखिए। राधिका, कौन है? मैं दादी जी। आई राधिका बेटा, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूं। अब यूं समझ के एक विनती करने आई हूं। नहीं दादी माँ, आप ऐसा क्यों कहती है? आप तो बस आज्ञा दीजिए। कल देव छोटी बहू को लेकर फार्म हाउस जा रहा है 2-4 दिन के लिए, जहां पर वो दोनों कुछ समय अकेले में बिता सके, एक दूसरे को समझ सके। मैं चाहती हूँ कि फार्म हाउस को छोटी बहू के पसंद के हिसाब से सजाया जाए, और तुमसे बेहतर कौन होगा जो छोटी बहू की पसंद को जानता हो? क्या तुम पहले जाकर फार्म हाउस सजा दोगी? जाओगी ना बेटा? मुझे पता था तो मुझे निराश नहीं करोगी। मैं बिरजू से कह देती हूँ। कल देव छोटी बहू को लेकर फार्म हाउस जा रहा है, जहां पर वो दोनों कुछ समय अकेले में बिता सके, एक दूसरे को समझ सके। सिर्फ आप ही मेरी परेशानी समझ सकती हैं। सबसे पहले आप अपने मन से घबराहट को निकाल दीजिए। ये आपके नए जीवन का पहला कदम है। लड़खड़ाने के डर से अगर आपके कदम रुक गए तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? थैंक्स। मैं हेलो देव बाबू। हाँ प्रणाम बाबू जी। राधे राधे। दामाद बाबू, तनिक असुविधा ना हो तो राधिका से बात हो सकती है? जी वो यही है, आप उनसे अभी बात कर सकते हैं। एक मिनट, बाबूजी का फोन है। एपिसोड देखिए Z5 पर।